जिला ताइक्वांडो संघ हमीरपुर द्वारा ताइक्वांडो खेल के खिलाड़ियों की सुविधा को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हमीरपुर में किया जा रहा है। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ जिला ताइक्वांडो संघ के जिला प्रधान डॉक्टर रजनीश गौतम व अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को इस खेल के लिए प्रेरित करना है, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम सम्मान बढ़ा सके। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान खिलाड़ियों को ताइक्वांडो खेल के आधारभूत ढांचे के आधार पर नई तकनीक का ज्ञान, खिलाड़ियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाना, खिलाड़ियों में गति, शक्ति, सहनशीलता तथा लचीलापन बढ़ाने की ओर अग्रसर करना है। इस खेल प्रशिक्षण में आगामी प्रतियोगिताओं के बारे में उन्हें विशेष रूप से तैयार करना है। ताइक्वांडो खेल की क्योरुंगी एवं पुमसे दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के बारे में तैयारी करवाई जा रही है। खिलाड़ियों को इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में जिला ताइक्वांडो खेल के सचिव सुनील कुमार विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इस ताइक्वांडो खेल के प्रशिक्षण शिविर स्कूल तथा कॉलेज स्तर के 40 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला ताइक्वांडो खेल के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि जिला ताइक्वांडो संघ हमीरपुर द्वारा खिलाड़ियों की सुविधा को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 40 खिलाड़ी शिविर में भाग ले रहे हैं। ये शिविर 21 दिनों तक आयोजित किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग विशेष प्रशिक्षण शिविर है हमारा, ये ताइक्वांडो खेल से संबंधित, और ये हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 21 दिन का है। तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों को बेसिक टेक्निक के साथ साथ, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ, हमारी बेल्ट ग्रेडिंग से संबंधित भी इसमें तैयारी चलेगी, ताकि आने वाले समय में बेल्ट ग्रेडिंग भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो उसको पास कर सकें और अगली बेल्ट जो है वो ले सकें। इसमें ब्लैक बेल्ट तक की जो तैयारी है वो खिलाड़ियों को करवाई जाएगी। इसके अलावा ताइक्वांडो में दो तरह के कंपटीशन रहते हैं, एक पुमसे कंपटीशन और एक क्योरुंगी कंपटीशन। तो उन दोनों कंपटीशन से संबंधित भी तैयारी जो है खिलाड़ियों को करवाई जाएगी, उससे संबंधित ट्रेनिंग खिलाड़ियों को दी जाएगी, ताकि वह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के वो आने वाली प्रतियोगिताओं में अपना बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन कर सकें और हिमाचल में अपना नाम और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना नाम रोशन कर सकें। सर, आज ये शुरुआत है, इसमें कम से कम भी 40 से 50 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है, जो कि जिला भर से दूर दूर के क्षेत्रों से वो खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के वो अपना छुट्टियों में वो वापस जा सकें। जिला स्तरीय प्रतियोगिता है सर, वो हमीरपुर की जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है वो अगस्त में करवाई जाएगी और अगस्त में ही हमारी जो है वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, उसका आयोजन भी शायद अगस्त या इसी महीने में होना है। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि उस प्रतियोगिता में भी हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन कर सकें। वहीं शिविर में प्रशिक्षण ले रही खिलाड़ियों ने बताया कि ताइक्वांडो खेल से संबंधित आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह ताइक्वांडो खेल में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती हैं। राष्ट्रीय खेल है और ओलंपिक खेल है। ताइक्वांडो का अर्थ है किक और पंच से लड़ने की कला। ताइक्वांडो खेल से संबंधित यह 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें जिला ताइक्वांडो संघ के कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें हमें ताइक्वांडो खेल से संबंधित बेसिक टेक्निक, सेल्फ डिफेंस, बेल्ट ग्रेडिंग से संबंधित तैयारी तथा पुमसे एवं फाइट की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि हम आने वाली जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिला हमीरपुर का नाम प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर पर रोशन कर सके। गोरिया में वो बहुत अच्छी लग रही है और हम चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग करें और अच्छे खिलाड़ी बने और अपने जिला का नाम जो है राष्ट्र स्तर पर रोशन करें। वहीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो खिलाड़ी ने बताया कि उन्होंने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल ताइक्वांडो में हासिल किया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शन कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि हमें इस खेल में आगे जाना चाहिए, ताकि हम देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। मेरा ताइक्वांडो में स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया है और मैं नेशनल लेवल पे भी इस गेम का प्रदर्शन कर चुकी हूँ और ये गेम स्कूल लेवल एवं कॉलेज लेवल तक है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें इस गेम में और आगे तक कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि हम अपने देश का नाम रोशन करें और देश के लिए मेडल लाएं। मैं स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ ताइक्वांडो गेम में। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है और अब तो ये हमारे स्कूल गेम्स में भी इंक्लूड हो चुकी है, तो हम सभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और ताकि हम नेशनल लेवल पर भी अपने स्टेट को गोल्ड मेडल दिला सकें।